क्या भाई, सही है सब कुछ। डिप्लोमा के बाद मोटा पैसा कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं ये सब चीज़ 2-3 साल से मैं फोकस कर रहा हूँ कि बहुत सारे डिप्लोमा के बच्चे स्ट्रगल करते हैं और बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज भी करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ लाऊंगा। बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिससे आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो पाए। सो यहाँ पर बात करेंगे कि आफ्टर डिप्लोमा 12 लाख का पैकेज मिलता है क्या? हम तो ये सुनते हैं जनरली, भाई 15 हज़ार का मिल रहा है पर मंथ, और भाई कोई ऑन ड्यूटी भी नहीं है, ऑफ ड्यूटी है, ठेकेदार के अंडर काम करना पड़ता है और कभी कभी 12 घंटा भी काम करना पड़ता है। थोड़ा बहुत इस मिल जाता है एक्स्ट्रा पैसा, ओवर ड्यूटी ओडी, थोड़ा बहुत ओडी मिलता है, स्नैक्स मिल जाते हैं थोड़े से, बस और कुछ नहीं है। हम ये सुने हैं, लेकिन हम तो ये नहीं सुनते हैं भाई 12 लाख पर मंथ, सॉरी 12 लाख पर ईयर, मतलब 1 लाख पर मंथ का सैलरी, वो भी डिप्लोमा के बाद। ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? क्या वही महारत हासिल करना पड़ेगा उसके लिए? क्या कोई आपको बढ़िया जगह से पढ़ना पड़ेगा? क्या प्राइवेट कॉलेज बच्चे को मिलेगा? क्या ऐसे नॉर्मल कहीं भी डायरेक्ट एडमिशन ले लिया मैंने किसी कॉलेज से पढ़ रहा हूँ या यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, उधर से मैं ये जॉब पा सकता हूँ क्या? आंसर है हाँ, पा सकते हैं। क्वेश्चन आता है, आप कैसे पाओगे, हाउ, और आपको क्यों इस चीज़ का जॉब, इस तरह का जॉब के पीछे जाना चाहिए? ये 2 क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा, कैसे मिलेगा और क्यों जाना चाहिए। तो पहले क्यों की बात करते हैं, क्यों जाना चाहिए ऐसे जॉब के पीछे। सबसे पहले ये जो 12 लाख आप पैकेज देख रहे हैं, ये पैकेज जो होता है स्टार्टिंग होता है। सो टाइम के साथ साथ आपका ग्रोथ होता है, और आपको पता है नया AICTE का रूल आया है, डिप्लोमा के बाद जॉब करते करते फुल टाइम बीटेक कर सकते हो। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डेफिनेटली है, बट दैट कैन इजीली उसको आप क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। आई एम गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पर क्या है, 12 लाख पैकेज, ये अच्छा क्यों करना चाहिए? 2 बड़ा रीज़न आपको बता देता हूँ, बिकॉज इतना अच्छा पैकेज अच्छे कॉलेज में बीटेक के बाद भी नहीं मिलता है। बहुत कम कॉलेजेस में 12 लाख से आपको पैकेज मिलता है, स्पेशली कोर सेक्टर में। फर्स्ट मिल भी गया तो स्टेबिलिटी कुछ होता नहीं, बट ऐसे जॉब में ऑलमोस्ट यू कैन से दैट 100% स्टेबिलिटी है, बिकॉज ए गवर्नमेंट जॉब है। वेल, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं डिप्लोमा के बाद, आप उनका प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट सारे जॉब में ये 12 लाख का पैकेज मिलता नहीं है। मेरे कई साथी गवर्नमेंट जॉब में, मेरे कई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो उनका कहना है सर गवर्नमेंट जॉब करना है तो थोड़ा सा मोटे सैलरी वाला गवर्नमेंट जॉब करना, फिर आप ये मतलब आपका जो एबिलिटी होगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देखने का, काम करने का अलग होगा। तो इसलिए मेरे भाई इस तरह का जॉब को आपको टारगेट करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कैसे, क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ क्या सच में ऐसा होता है क्या, और उसी में बात करेंगे अपन इसके बारे में डिटेल में। तो ये नोटिफिकेशन आया था पावर ग्रिड का, मैं पहले ही बता दूं इस तरह का जो सैलरी होता है सारे जगह मिलता नहीं है, बट कुछ कुछ जगह पर है जहां पर सैलरी डिप्लोमा के बाद 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 12 लाख तक है। तो यहां पर आप देखेंगे जो CTC मिल रहा है वो कितना है, 11.9 लैक्स अप्रॉक्स मिलेगा आपको CTC, इंक्लूडिंग मेडिकल का फ्री, खाली आपका नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स, पापा मम्मी बच्चे बीवी सब फ्री है। कोई छोटे बहन है अगर वो मतलब बच्चा है तो उसका भी फ्री हो जाएगा, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन जितने के हैं सब फ्री हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे और फ्री मिलते हैं, बताओ क्या, लैपटॉप भी बहुत सारे को मिलता है फ्री, लैपटॉप लेके आओ रेम्बर्स्ड करवा लो, कई कई एप्पल के ले आते हैं, और उसमें एक लिमिट होता है 1 लाख तक का लैपटॉप ले सकते हो, तो लोग एप्पल का लेते हैं। मैकबुक अपने मेरे पास है, बट मैं ज़्यादातर वही विंडो यूज़ करता हूँ, HP वाला मेरे पास एक है, हालांकि डिफरेंट ब्रांड्स के भी हैं। कहानी आपको समझ में आ रहा है, ये हो गया 12 लाख का पैकेज का प्रूफ। अब देखते हैं इस तरह का पैकेज जो जो कंपनीज बेसिकली, और खास बात क्या है ना, बीटेक कंप्लीट कर लिया आपने तो आप इस तरह का फॉर्म भर नहीं सकते। यहाँ पर वो लिखा है कि आपका जो बीटेक कंप्लीट जो मैं दिखाता हूँ आपको, यू विल देन अंडरस्टैंड, जब तक तो दिखाते नहीं है। यहाँ पर देख क्या लिखा है, कैंडिडेट्स विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा CA CMA इक्विवेलेंट, यहाँ पर भी देखिए है DTE में देखते हैं, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTEC BE MTEC ME ETC विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड।
सो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह का एलिजिबल नहीं, तो बीटेक करते करते कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे वहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है तो कर सकते हैं, ठीक है। और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ, मिनिमम जो परसेंटेज आपका चाहिए होता है 70% चाहिए होता है फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड पास मार्क्स फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीटी। ये है आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कोई बोलता है परसेंटेज मैटर नहीं करता है, तो आप 70% अगर आप इस कैटेगरी से हैं, 70% अगर आपका नहीं है, फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। नाउ थिंक अबाउट इट, मैं क्यों बार बार बोलता हूँ भाई, मैटर तो बहुत कुछ करता है, बट आपको देखना है आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। परसेंटेज बढ़ाना है आपको, आपका इंग्लिश कमज़ोर है, उसके लिए आपको आना चाहिए हमारे इंग्लिश के कोर्स में। उससे मैंने तीन चीज़ बता रखा है, कैसे इंग्लिश बोलना है जीरो से बिल्कुल हीरो लेवल तक, और एज वेल एज आप कैसे अच्छे मार्क्स लाओगे, एज वेल एज कैसे पढ़ाई करना है, बिकॉज किताबें इंग्लिश में होता है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ 499 रुपीज़ प्राइस है, 100 रुपये ऊपर से डिस्काउंट मिल जाता है, जाओ ज्वाइन करो, मौज मारो। आज वो यहाँ पर बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। तो अब बात करते हैं जी 12 लाख का पैकेज। एलिजिबिलिटी हमने देख लिया, कैसे जाएंगे, कैसे आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। सपोज दैट यू आर फर्स्ट ईयर इन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वट एवर ईयर यूर स्टडिंग, क्या इनमें होता है, क्या और कोई गवर्नमेंट जॉब्स है? भाई सारे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, किसके बाद? डिप्लोमा के बाद। क्या क्या है? एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है, दो हो गया, स्टेट जेई है, तीन हो गया जेई। उसके बाद पीएसयूज में जॉब्स निकलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जॉब निकलता है। ये सारे मेनली जॉब्स हैं जेई लेवल के। ज़्यादातर वैकेंसीज हर साल एसएससी जेई का आता है, बट आरआरबी जेई का अब हर साल आएगा, जो इस बार से पता लगा, बिकॉज 25 का भी कैलेंडर आ चुका है 2025 का, 2024 में इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए? देखिए आपका अप्रोच दो पार्ट में होना चाहिए, अगर दो पार्ट में नहीं है अप्रोच तो भाई आपका बात बनेगा नहीं। एक पार्ट वन हो गया और एक पार्ट वन हो गया आपका, और एक क्या आ गया आपके पास मेरे भाई, पार्ट टू आ गया। दो पार्ट में आपका अप्रोच होना चाहिए। तो पहले पार्ट में क्या आ जाएगा, जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स की आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं, और पार्ट टू में क्या करना है आपको, नॉन टेक के प्रिपरेशन करना है। तो नॉन टेक में बच्चे कहाँ ज़्यादा फंसते हैं, वो हो गया आपका जीके, बिकॉज ऐसा कोई लिमिट नहीं है इसका, आपको करना है। किताबें हैं बहुत सारे, मैं लिस्ट सारा डाल दूंगा, जेई लेवल की किताबें डिस्क्रिप्शन में है। जीके हो गया, आपको करना है कुछ कुछ जगह पर इंग्लिश आता है, इंग्लिश में क्या आता है, ग्रामर मेनली आता है। फिर आता है एक कंपलसरी है एप्टीट्यूड, ये हर जगह हर एग्जाम में मिलेगा, मैक्सिमम जगह पर ये मिलेगा आपको एप्टीट्यूड। एंड रीजनिंग, ये भी लगभग हर एग्जाम में मिलता है। तो ये हो गया आपका नॉन टेक का। इस नॉन टेक के बेस पर जो प्रिपरेशन है मैं करवाऊंगा, एक नया कोर्स लॉन्च करूंगा सभी बच्चों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। इंग्लिश का मॉक टेस्ट देंगे, जीके का पीडीएफ देंगे, एप्टीट्यूड और रीजनिंग का पीडीएफ मॉक टेस्ट भी देंगे, और इस सारे का मॉक टेस्ट पीडीएफ सारे मिला के आपको देंगे, आपको मिलेगा। डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बनाया है वो वीडियो, हालांकि वो वीडियो सबके लिए बनाया है, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई लेवल का वो काम आ जाएगा, इवन ऐसे सीजीएल में भी काम आ सकता है काफ़ी हद तक, बट जेई वाले बच्चों के लिए ये आएगा बहुत जल्दी। मैं आपको तो बताऊंगा लिंक कहाँ मिलेगा, जस्ट गिव मी सम टाइम, एक महीने बाद इसको लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, टेक्निकल। टेक्निकल भाई साहब क्या ना, टेक्निकल है लिमिटेड चीज़ें आपको पढ़ाई करना है, जितना भी है लिमिटेड है, 10 से 12 सेट आपको पढ़ना होता है, और इसके लिए हैंडबुक आता है, वो हैंडबुक काफ़ी है जेई लेवल के प्रिपरेशन करने के लिए। ये हो गया प्रिपरेशन का फंडामेंटल। अगर ये प्रिपरेशन का फंडामेंटल आपका सही नहीं है भाई, एग्जाम्स क्रैक नहीं होते, यू शुड हैव प्रॉपर फंडामेंटल। उसके बाद क्या करना है, जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको क्या करना है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, अगर नहीं है तो एसएससी जेई आरआरबी जेई इनका कर लो, काफ़ी हद तक फायदा मिल जाएगा आपको। बट ये आपको करना है, मतलब दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप क्वेश्चन करो। बच्चों का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या रहता है कि भाई हम एक साइड से पढ़ते रहते हैं, दूसरे से भूलते रहते हैं, तो भाई रिवीजन करते रहा करो, कीप डूइंग रिवीजन, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक साइड से देखोगे सारे भूल जाओगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहा करो।
आज पढ़ा तो कल नहीं भूलोगे, तीन चार दिन बाद भूलोगे, तीन चार दिन बाद फिर से दो क्वेश्चन चार क्वेश्चन निकाल लो, देखना धीरे धीरे, फिर पाँच सात दिन बाद फिर से चार क्वेश्चन निकाल लो, देखना आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अदरवाइज भूल जाएंगे आप, तो ये चीज़ को आप ध्यान देना। और आप इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का या फिर इनका सबका एक नया मतलब नोटबुक लगाओ सबका, एक एप्टीट्यूड का, एक रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके का, जो भी की पॉइंट्स है, फॉर्मूला है, चीज़ें हैं वो लिखो, इसमें भी ताकि रिविजन करने में आपके लिए इजी हो जाए, मतलब जो इंग्रेडिएंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हालांकि मैं आपको बहुत कुछ हेल्प करूंगा, बट धीरे धीरे होगा, बिकॉज बीटेक वाले बच्चों के पेपर चल रहा है, आपको ही मैं हेल्प करूंगा, दो ही सेगमेंट को मुझे हेल्प करना है, बीटेक और डिप्लोमा मेनली, तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। कहानी आपको समझ में आ रहा है? सो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, तब क्या होता है आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। क्वेश्चन आता है, सर कब मैं स्टार्ट करूँ प्रिपरेशन? फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, टाइम जैसे ही मिलता है, बट इंग्लिश का कोर्स सबको परचेज करना चाहिए, सबको एनरोल करना चाहिए, बिकॉज बाय यूजिंग सेम टिप्स एंड ट्रिक्स मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स एबल टू स्कोर 10-15% मार्क्स, इवन समटाइम्स 20% मोर मार्क्स देन दे आर एग्जैक्टली और बिफोर गेटिंग टू माई प्रोग्राम दे आर गेटिंग। Myself, my dear, first year में मेरा अच्छा नहीं था बीटेक के, but after first year, I topped 6 times in my branch. So, all the learnings, all the ingredients from my own experience, as well as after teaching so many students in college, university, coaching, offline की बात कर रहा हूँ, I have shared in that course. Link description में है, और with promo code, use the promo code for getting discount. Thank you very much for watching the video till the end. कोई question नीचे पूछो, मैं video बना के दूंगा proper तरीके से. Thank you. God bless you all. Bye bye.